नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर मिशन 2030 में, जिसमें हम ऐसे स्टॉक की चर्चा करते हैं जिनको आप 2030 या 2025 से लेके कम से कम 2030 तक होल्ड करके रखें तो आपको 4x 5x टाइम तो रिटर्न दे। कहने का मतलब ये है, अगर आप कोई 300 का स्टॉक लेते हैं तो कम से कम वो आपको 1200-1500 के भाव पे मिले आज से 6 से 7 साल मिनिमम टाइम पीरियड के बाद। और जिस हिसाब से मैं स्टडी करता हूं, जो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, आप पिछले एक साल की वीडियो जो उठा के देखेंगे, हो सकता है ये 300 के स्टॉक, 200 के स्टॉक आपको 2000-3000 के प्राइस पे भी मिले। कोई कचड़ा स्टॉक नहीं है, कोई क्रैप स्टॉक नहीं है, सारे के सारे बढ़िया ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक है, अच्छे बिजनेस मॉडल। जितनी मैंने इस क्या कहते हैं चैनल पे, जो नया चैनल है, इस पे वीडियोस डाली हैं, जो स्टॉक रिकमेंड किए हैं, प्लीज आप उनको स्टडी कीजिए, अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए और तब जाके उनमें इन्वेस्ट कीजिए। नया चैनल है, लाइक करना ना भूलिएगा वीडियो, तभी ज्यादा लोग देखेंगे। यूट्यूब की पॉलिसी ऐसी है, एल्गोरिथम ही ऐसी है, तो वीडियो बहुत जबरदस्त है, स्टॉक रिकमेंडेशन मेरी हमेशा जबरदस्त होती है, आप देखेंगे आपको वीडियो अच्छी लगेगी, पसंद आएगी, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो जो पहला स्टॉक है, दो स्टॉक की चर्चा कर रहे हैं, जो पहला स्टॉक है आपने एक नाम सुना होगा, एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं, एक तरीके से आप कह लीजिए कैटलिस्ट या फिर प्रोटीन टाइप चीजें होती हैं जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करती हैं किसी भी चीज के अंदर। और इनकी जरूरत क्या होती है, न्यूट्रिशन, खाने पीने में, फूड प्रोसेसिंग के अंदर। तो कंपनी का जो नाम है अपने आप में एक निराली और आप कह लीजिए एक मोनोपोली टाइप कंपनी है, एडवांस्ड एंजाइम्स टेक्नोलॉजी, ठीक है, इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। तो एक तरीके से कह लीजिए आप, अलग टाइप का बिजनेस मॉडल है, अलग टाइप की कंपनी है। थोड़ा सा मैं आपको इसमें दिखाना भी चाहूंगा, ये इनकी साइट है, अगर आप खोल के देखेंगे तो मेनली ये लोग करते क्या है, जो न्यूट्रिशन होते हैं, ह्यूमन न्यूट्रिशन, एनिमल न्यूट्रिशन, फूड प्रोसेसिंग, एंजाइम्स बनाते हैं ताकि वो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करें और क्या कहते हैं उनकी प्रोसेसिंग जो होती है उसकी, उसको तेज करें, प्रिजर्वेटिव बनाने में उसको क्या कहते हैं, ये देख लीजिए आप यहाँ पे, ये है ह्यूमन न्यूट्रिशन, आवर एंजाइम्स आर बीइंग यूज्ड इन ए वाइड रेंज ऑफ कस्टमर ग्लोबली एज एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन देयर फार्मास्यूटिकल एंड न्यूट्रास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस। एनिमल के अंदर भी इनकी, उनको जो डाइजेस्ट करने के लिए क्या कहते हैं फीडिंग में जो कंपोनेंट चाहिए होता है वो ये कंपनी बनाती है, फूड प्रोसेसिंग के लिए अंदर, फूड एंड ब्रिवेजेस के अंदर जो चाहिए होते हैं वो ये कंपनी बनाती है। तो बहुत बढ़िया कंपनी है, अलग तरीके का बिजनेस मॉडल है, उसी प्रकार से प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। ये पढ़िए आप, बेकिंग, फ्रूट वेजिटेबल प्रोसेसिंग, ब्रिंग माल्टिंग, ग्रेन प्रोसेसिंग, प्रोटीन मॉडिफिकेशन, डेयरी प्रोसेसिंग, स्पेशलिस्ट एप्लीकेशन, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग, लेदर प्रोसेसिंग, हर चीज में। तो ये मोटा मोटा आपको ज्यादा पढ़ना है तो इस कंपनी की साइट खोल के देख सकते हैं। मुझे बिजनेस बहुत अच्छा लगा और स्टॉक को मैं, और इस स्टॉक को मैं 2000-280 पिछले एक साल से ही मेरा इस पर ध्यान गया है, यहां से रिकमेंड करता आ रहा हूँ, ये 350 के आसपास भी चला गया। दोबारा वीडियो बनाने का इसलिए सोचा क्योंकि जो करंट प्राइस है वो 286 पे है और स्टॉक की पी भी अच्छी है। ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक जो आपको 20-25 की पी पे मिल रहा हो, प्लीज स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इट, ठीक है, उसको जोड़ना शुरू कर दीजिए। आरओई 16.1% बेहतरीन, आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22.8%, मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटी कंपनी है 3200 करोड़, हाई लगाया देखिए आप एक साल में 504 का, लो लगाया 257 का, तो जो 52 वीक का लो है उसके आसपास ही प्राइस है भैया, उसके आसपास ही प्राइस है। चलिए आइए थोड़ा सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, धंधा कैसा चल रहा है कंपनी का, एनुअली एक बार वो देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट तो कॉन्स्टेंट है इसके, बढ़िया चल रहे हैं, ये है इसका एनुअल, ठीक है। हम पिछले 3 साल की अगर चर्चा करें तो 2020 में 444 करोड़ की सेल थी, 2021 में 502 करोड़ की सेल थी, ट्रेलिंग 12 मंथ में जिसमें एक क्वार्टर पेंडिंग है ऑलरेडी 531 करोड़ की सेल को ये पार कर चुका है और ये भैया आपको 650 करोड़ को पार करता हुआ दिख सकता है अगर आप मार्च 2022 के क्वार्टर एंडिंग की सेल्स इसमें ऐड करेंगे, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट जंप है, एक नोटिस करने वाला जंप है इसकी सेल्स ग्रोथ, इसकी सेल्स ग्रोथ में, ठीक है। अब आते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस भी उसी तरीके से बढ़े हैं, कंपनी एक्सपेंड कर रही है,
269 इसने पिछले साल एक्सपेंस किया था जो 315 करोड़ हो गया, तभी आप देखेंगे जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो अब तक लास्ट ईयर के प्रॉफिट को पार नहीं कर पाया, ट्रेलिंग 12 मंथ। हालांकि जब हम जोड़ेंगे इसमें 50 से 60 करोड़ का तो प्रॉफिट मिनिमम मैं मान के चल ही रहा हूं जो कि आने वाला है, तो ये आराम से ट्रेलिंग 12 मंथ इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 230 करोड़ का पार कर देगा और हो सकता है हमें 280 प्लस इस बार 280-300 के आसपास हमको दिख जाए। ठीक है, अब बात करते हैं भाई टैक्स दे दिया आपने इधर उधर सारी अपना जो भी कर्ज पूर्ज अदा कर दिया, आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा क्या, आप घर में क्या लेके गए, तो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था वो था 146 करोड़, 2021 का 2020 का था 129 करोड़, उससे पीछे का था 111, तो यही 2019 से ही कंपनी थ्री फिगर में आई है एंड ट्रेलिंग 12 मंथ में 127 करोड़ का प्रॉफिट ये अपने पॉकेट में रख चुकी है। तो मान लीजिए आप 150 से 160 के बीच में तो इसका प्रॉफिट रहने ही वाला है, तो सिग्निफिकेंटली ग्रोथ दिखा रहा है कंपनी में, ग्रोथ दिखा रहा है और बढ़िया तरीके का क्या कहते हैं कंपनी बिजनेस कर रही है। एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर नजर डाले कि प्रमोटर कितना माल लेके बैठे हुए, सब कितना माल लेके बैठे हुए, तो वहां से थोड़ा सा और हमें पब्लिक के पास ठीक ठाक 22.38% है, प्रमोटर 52.8%, 70% लेके बैठे, FIs की होल्डिंग बहुत जबरदस्त है और FIs ने अपनी होल्डिंग को पिछले वाले क्वार्टर से बढ़ाया है, पिछले वाले क्वार्टर में 16.39, मार्च 2020 वाले ये 18.01 बढ़ रही, FIs की होल्डिंग कंटिन्यूसली बढ़ रही है, देखेंगे। ठीक है, तो बाय करके चलिए, करंट प्राइस 287 पे है, मैं तो इसको 3 से 4 साल के अंदर लगभग 700 से 800 के रेंज में हो सकता है इससे ऊपर भी आपको देखने को मिले, ये मिनिमम मैंने लोअर साइड आपको बताया। कंपनी बढ़िया काम कर रही है, कंपनी स्टेब्लिश हो चुकी है और कंपनी अच्छा काम कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक आता है दोस्तों BLS इंटरनेशनल, स्टॉक लास्ट के 2 साल में चला नहीं है, जबकि आप कह लीजिए बहुत जबरदस्त बहुत उम्दा स्टॉक है, 210-200 के लेवल से पिछले 5 से 6 महीने से रिकमेंड कर रहा हूं और जो पर्सनल मेंबर हैं जिन्होंने मिशन 2030 ज्वाइन कर रखा है उन्होंने उनकी बाइंग इसमें 210-220 लेवल से और पिछले 2 से 2 महीने में ही ये स्टॉक 347 चला गया, 210-220 से पिछले 2 महीने में ही ये स्टॉक 347 चला गया है और 52 वीक में आप लो देखेंगे 91.5, हाई देखेंगे 379, तो अभी भागा है ये भैया, पिछले दो महीने में ही भागा है। कंपनी का काम क्या है पढ़िए जरा, इधर आंखें खुली रह जाएंगी। ठीक है, डाइवर्सिफाइड BLS काफी पुराना ग्रुप आपको पता होगा, रेंज ऑफ सर्विसेज काउंट अमंग द टॉप 3 ग्लोबल प्लेयर्स इन वीजा एप्लीकेशन आउटसोर्सिंग एंड इट्स प्रेजेंस इन वीजा पासपोर्ट कंसुलर सिटीजन सर्विसेज विद 62 कंट्रीज एंड 36 गवर्नमेंट क्लाइंट्स। ठीक है, तो पिछले 2 साल में ये जो कोविड के बाद से वीजा का काम ठंडा तो पड़ा रहा है भाई, ठीक है, बट जिंदगी भर क्या रहने वाला है, जिंदगी भर क्या रहने वाला है, क्या लोग अपनी कंट्रीज तक ही लिमिटेड हो जाएंगे, नहीं भैया, बाय करके चलिए इस स्टॉक को। ठीक है, बाय करके चलिए, डिप में एक्यूमुलेट करिए, ROE 21.6%, ROC 22.2%, मार्केट कैपिटलाइजेशन स्मॉल कैप 3,533 करोड़ का, करंट प्राइस 347। ठीक है, आइए जरा थोड़ा सा इसके हम प्रॉफिट मार्जिन वगैरह देख लेते हैं। ये है भैया, आंखें ना खुली रह जाए मेरे को बताना, मार्च 2022 साल खत्म हो गया 850 करोड़, मार्च 2021 478 करोड़ यहां पिटाई, ठीक है, मार्च 2020 786 करोड़, इससे पहले सही चल रहा था, जैसे ही कोविड आया धंधा जो है पिट गया, धंधा जो है बिजनेस जो है पिट गया, बट फॉर टाइम बीइंग आपका प्रॉफिट सीधा 800 करोड़ के आसपास से 478 करोड़ आया, एक साल लगभग दबा रहा, आप इस साल आप इसकी सेल्स देखिए 850 करोड़ है, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, सेल्स की बात कर रहा हूं, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट देखिए 111 करोड़, पिछले साल 50 करोड़, उससे पिछले साल 52 करोड़, उससे पिछले साल 105 करोड़, तो 2019 के आसपास जहां कंपनी थी वहां दोबारा चली गई है और मैं बहुत ज्यादा डैम श्योर हूं ये स्टॉक 1,000-2,000-3,000 तक के भाव दिखाएगा आपको आने वाले
7 से 8 साल, ठीक है, 7 से 8 साल में 1000 तो मैं इसको बहुत जल्दी जाते हुए देख, ठीक है। तो बाय करके चलिए BLS इंटरनेशनल को, बाय करके चलिए, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश रहिए, जितना नीचे गिरे बाइंग करते रहिए, ठीक है, जितना नीचे गिरे बाइंग करते रहिए। बहुत जबरदस्त स्टॉक है, बहुत बढ़िया स्टॉक है। तो ये दो स्टॉक थे दोस्तों, इनके हिसाब को वीडियो पसंद आई हो, इनके हिसाब को स्टॉक रिकमेंडेशन पसंद आई हो, स्टडी करिए, अपने किसी सलाहकार से जरूर सलाह लीजिए, एडवाइस लीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि ये मैं मेरी पर्सनल क्या कहते हैं रिसर्च है, मैं खोजता रहता हूँ, देन कंपनी के कैपेक्स प्लान देखता हूँ, कंपनीज का क्या बिजनेस मॉडल है उसको देखता हूँ, एक एंटिसिपेट करता हूँ कि अगर इसी प्रकार से ग्रोथ चली तो कंपनी हमको क्या भाव दिखा सकती है। आपसे सलाह है, आप जरूर किसी से भी, आपको रिकमेंडेशन है किसी से, अपने बड़े बुजुर्ग से जरूर पूछिए इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि स्टॉक मार्केट जोखिम के अधीन है। चलिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।